हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कंगना रनौत बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेसेस में शुमार है। वो खुल कर देके हर मुद्दे पर बात करती हैं, बॉलीवुड पर भी आए दिन निशाना साधती रहती हैं। और बॉलीवुड माफिया के खिलाफ, खासकर करण जौहर के खिलाफ तो आपने देखा होगा कि कई बार बोल चुकी हैं, कई बार खुले तौर पर करण जौहर को लेकर बयानबाजी भी कर चुकी हैं। अब एक्ट्रेस ने उनके करण जौहर के ही शो के बारे में, यानी कि कॉफी विद करण को लेकर कमेंट किया है। जी हाँ, और इतना नहीं, करण जौहर के साथ साथ सोनम कपूर भी कंगना के निशाने पर आ गई। दरअसल कंगना ने करण के शो की एक पुरानी क्लिप शेयर की है, जिसमें दोनों कंगना की इंग्लिश को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। कॉफी विद करण की इस क्लिप में करण ने सोनम से ये पूछा था कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी को फर्राटेदार इंग्लिश बोलने की पावर दी जाए तो आप किसे देंगे। तो इस पर, यानी कि करण के सवाल के जवाब में, सोनम ने देखे कंगना का नाम लिया और ये बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत कंगना को सबसे ज्यादा है। हालांकि देखिए, बात को संभालने के लिए सोनम ने कंगना के फैशन सेंस की भी जमकर तारीफ की थी। करण के शो से इस क्लिप को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने ये लिखा है, कंगना रनौत जैसे आउटसाइडर्स को बॉलीवुड के नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स इस तरह बुली करते हैं। अब देखिए, कंगना ने इस पोस्ट को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है और इसके साथ ही साथ वो ये लिखती हैं, मैंने मूवी माफिया संग अपनी सालों की लड़ाई से यही कमाया है कि आप किसी भी आउटसाइडर का अंग्रेजी ना बोल पाने के लिए मजाक नहीं बनाया जाएगा। वैसे ये शो अब आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका है। तो कंगना देखिए यही नहीं रुकी, उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर एक और पोस्ट शेयर करते हुए ये भी लिखा है, प्लीज अंत में मेरा कमबैक मिस मत करिएगा। 24 साल की उम्र में खुले तौर पर बुली किए जाने, अपमानित होने और मजाक उड़ाए जाने के बाद भी मैंने अनुशासित रवैया और विनम्रता दिखाई जो अंग्रेजी बोलने वाली अच्छी परवरिश में पली भरी गॉसिप्स करने वाली अंटियां कभी नहीं दिखा सकती। तो कंगना के इस बयान से साफ लग रहा है कि उन्होंने सोनम समेत कई स्टार किड्स को अंटियां बता दिया है। साथ ही साथ करण जौहर को भी तंज कस दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब कंगना ने करण और सोनम की लताड़ लगाई हो। इससे पहले भी वो कई बार इन हस्तियों पर तंज कस चुकी है। तो अब बात करें कंगना के वर्क फ्रंट की, तो देखिए इस साल के आखिर में एक्ट्रेस की 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जहां 20 सितंबर को कंगना की फिल्म चंद्रमुखी 2 रिलीज होगी, तो वहीं अक्टूबर में उनकी फिल्म तेजस रिलीज होगी, जिसमें वो एक एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में दिखाई देगी। तो वहीं देखिए 24 नवंबर में कंगना की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होगी, जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में दिखाई देंगी। तो इस फिल्म में देखिए कंगना के साथ साथ अनुपम खेर और महिमा चौधरी के साथ साथ कई स्टार्स भी नजर आएंगे। वैसे कंगना ने देखिए जिस तरह से करण जौहर और सोनम कपूर पर तंज कसा है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।